सो आई शुडंट बी कॉलिंग दिस अ ब्राइट सनी डे। भाई गर्मी बस दस्तक दे रही है, और मतलब सूरज की गर्माहट की बात करूँ तो एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हॉट है, दैट इज द न्यू पल्सर रेंज। वी टॉक अबाउट द पल्सर ब्रांड ना, तो ये दो चीज़ है जो दी है इंडियन कंज्यूमर्स को उसने, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट फॉर श्योर। और वैसे ही थ्रिल एंड एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करने वाले एक मोटरसाइकिल की बात करने वाले आज हम लोग, जो कि मेरे साथ खड़ी है, दैट इज द पल्सर NS125, द बेबी पल्सर। सबसे बड़ा चेंज जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी था फॉर बजाज, क्यों पता है? क्योंकि यार अभी सारे फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लुकिंग हेडलैम्प क्लस्टर है सारे मोटरसाइकिल्स में, जो इसकी कॉम्पिटिटर है उन सारे मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बजाज ने इंट्रोड्यूस कर दिया है द ऑल LED हेडलैम्प क्लस्टर। यहाँ पे थंडरबोल्ट शेप्ड आपके DRLs हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्लास लुकिंग है यहाँ पे DRLs जो है वो। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑल LED हेडलैम्प क्लस्टर, वो दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट किए हुए हैं। दिस वन इज़ फॉर द लो बीम एंड दिस वन इज़ फॉर द हाई बीम। यहाँ NS125 में एक चेंज है जो 160 और 200 के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा, विच इज अ बिट ऑफ अ कॉस्ट कटिंग मेजर, जो कि यहां पे देखने को मिलेंगे आपको हैलोजन वाले इंडिकेटर्स, जो आपको N160 N150 इन सारी मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते हैं। द फ्रंट फेंडर इज वेरी सिमिलर लुकिंग, यहां पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश देने की कोशिश की गई है, विच मेक्स इट लुक प्रीमियम। उसके अलावा सामने के जो अलॉय व्हील्स हैं, इट इज सिमिलर लुकिंग, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, अच्छे खासे टायर्स हैं। ठीक, दिस हैज बीन अ डिजाइन जो कि 2012 से हम लोग देखते हैं, सिंस द फर्स्ट पल्सर NS200 वॉज लॉन्च्ड। तो यहाँ बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन इट लुक्स वेरी फ्रेश, वेरी स्टाइलिश राइट इन दिस ईयर 2024 भी। अभी भी उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है, उतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग दिखाई देता है, और उतना ही ज़्यादा मज़ेदार दिखाई देता है ये वाला मोटरसाइकिल। द पल्सर ब्रांडिंग राइट ऑन दिस टैंक कवर, उसके अलावा टैंक एक्सटेंशन जो कि इसको बहुत एग्रेसिव दिखने में हेल्प आउट करते हैं। 125 की यहाँ पे जो ग्राफिकली बैजिंग की गई है वो, दैट इज इन व्हाइट कलर। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी कूल ऑन दिस मोटरसाइकिल। मिड सेक्शन अभी भी वैसा ही है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन वाली एक स्टिकरिंग है जो यहाँ पे दी गई है। दिस इज द ग्रिल, और ये मिड सेक्शन है इसका, जो कि पूरा डिज़ाइन जो है फ्रंट से लेके रियर तक के एग्रेसिवली फ्लो करता हुआ दिखाई देता है ऑन दिस मोटरसाइकिल। यहाँ ग्राफिकली फिर से आपको व्हाइट कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर के शेड्स में टेल सेक्शन देखने को मिल जाता है। टेल सेक्शन इज वेरी सिमिलर, कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन लुक्स वेरी कूल। यहाँ पे भी आपको NS125 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसकी पेरीमीटर फ्रेम है ना, दैट मेक्स द मोटरसाइकिल लुक्स वेरी चंकी ऑन द NS सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल। तो ये 125 ज़रूर है, लेकिन ये बीच से भी पूरा भरा भरा सा दिखाई देता है, और बिल्कुल ही नहीं लगता कि एक 125 cc की मोटरसाइकिल है। तो यार विजुअली कोई डिफरेंस ऐसा स्पॉट नहीं कर पाओगे आप, चाहे 125 हो, 160 हो या 200 हो। यहाँ पे भी इनफैक्ट ये जो डमी रेडिएटर कवर जैसा दिया हुआ है ना, ये 160 और 200 पे तो काम आ जाता है, बट यहाँ पे कोई काम का नहीं है। बट इट लुक्स एस्थेटिकली वेरी गुड दिस मोटरसाइकिल। मेरा लुकिंग टेल लाइट है, LED टेल लैम्प क्लस्टर है, यहाँ हेलोजन वाले आपको इंडिकेटर्स है जो कॉस्ट कटिंग के कारण ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार टेल टाइडी बजाज पहले से देता है, नंबर प्लेट प्लेस होगा, यहाँ पे नंबर प्लेट वाली लाइट्स है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है द टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑन द फ्रंट। बात करते हैं ब्रेकिंग ड्यूटी की, तो यहाँ पे 240mm का रोटर साइज देखने को मिल जाएगा। दिस इज रोटो पेटल डिस्क, साथ में यहाँ पे 2 पिस्टन कैलिपर्स है जो आपको देखने को मिल जाएगा राइट द फ्रंट। यहां जो आपको रिम साइज देखने को मिलता है दैट इज 17 inches, और साथ में जो टायर सेक्शन की बात की जाए और टायर्स की बात की जाए तो सीएट के टायर्स है यहां पे 80x100 सेक्शन के टायर्स देखने को मिल जाएंगे ऑन द 17 इंच ऑफ रिम साइज। यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा मोनोशॉक ऑन द रियर, यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल है ये, ठीक है, प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन है जो देखने को मिलेंगे ऑन द रियर मोनोशॉक। साथ में यहाँ पे बॉक्स टाइप आपको स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 17 इंचेस ऑफ रिम साइज पे 100x90 सेक्शन के टायर साइज देखने को मिल जाएगी राइट ऑन द रियर व्हील। यहाँ पे अंडर बिले एग्जॉस्ट है ES6 फेज 2 के बाद, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है, और सारी ही मोटरसाइकिल की जो टोटल रिस्पॉन्स है दैट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन। द इंजन हियर इज अ 124.45 cc का इंजन जो कि एयर कूल्ड है,
और टू वेल्व वाले इंजन है, यहाँ पे DOHC नहीं है, SOHC है। इट प्रोड्यूसेस अ पावर ऑफ 11.99 PS ऑफ पावर एट द रेट ऑफ 8500 RPM। टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे 11 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, दैट मींस 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 7000 RPM ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करके देती है। अब जो ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, दैट्स अ 5 स्पीड ट्रांसमिशन जिसमें गियर शिफ्टिंग का पैटर्न जो है एक डाउन और 4 अप है। सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रैंकिंग अप द इंजन आवाज सुनने के लिए। तो यार ये छोटी वाली पल्सर है, लेकिन ये जो बजाज का जो पल्सर का जो ग्रंट है ना, जो एक बेस वाला साउंड है वो इसमें मौजूद है। दिस इज हाउ द इंजन साउंड्स। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इंजन साउंड ये बताना इन द कमेंट सेक्शन। व्हील बेस यहाँ पे मिल जाता है आपको डिसेंट सा, ऑलमोस्ट मैच करने वाला 1353 mm का व्हील बेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सेंटर स्टैंड के साथ आने वाला ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट इज 179 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जिसको जो सैडल हाइट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंडियन राइडर। तो यहाँ पे आपको डिसेंट 805 mm का सैडल हाइट देखने को मिल जाएगा राइट ऑन दिस मोटरसाइकिल, दैट मेक्स इट वेरी एक्सेसिबल फॉर एनी बडी जो कि यार 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच का भी है, दैट कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल। तो यार बड़ा सा चेंज किया है मालूम है दोनों लोगों को, तीनों मोटरसाइकिल में चेंज हुआ। और ये जो है यहाँ पे जो LCD कंसोल है, इनवर्स LCD कंसोल on this motorcycles you'll find it। तो ये जो reverse LCD console है, it is the all new reverse LCD console, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे connectivity feature भी है जो इस पर आ गया है। तो इस बटन के थ्रू आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन को इस मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर से। तो यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बताने लग गया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाने लग गया है, दिस इज द स्पीडोमीटर, दिस इज द गियर पोजीशन इंडिकेटर, दिस इज द क्लॉक, यहाँ साइड स्टैंड का इंडिकेटर आ जाता है, दिस इज द ऑडोमीटर, दिस इज द ट्रिप मीटर। तो ये बटन्स दबाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप लाभ उठाइए। अनदर थिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल, यहाँ पे आ गया है आपको USB चार्जिंग पोर्ट, तो ये भी दिस विल कम इन हैंडी। इट्स फाइनली टाइम टू राइड दिस मोटरसाइकिल। तो भाई ग्रंट तो बढ़िया है मोटरसाइकिल का, बट अब चलाया जाए इस मोटरसाइकिल को। मोटरसाइकिल छोटी ज़रूर है लेकिन डिसेंट पावर है ऑन टैप। यहाँ जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है दैट हैज बिकम क्वाइट क्विकर, क्योंकि इससे पहले वाले जो इरेशन था उसमें आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता था, बट नाउ इट इज़ प्योर इंजेक्टेड। बेसिकली कम्यूट करने के लिए तो ये जन्नत होने वाली है। अभी एक फॉल्स न्यूट्रल मैंने एक्सपीरियंस किया न्यूट्रल से सेकेंड शिफ्ट करते हुए, तो ये पल्सर की कॉमन प्रॉब्लम है जो चलते आई है, अब पता नहीं कब तक चलते जाएगी। ठीक है, फील बहुत अच्छा है गाड़ी का। राइडिंग स्टैंड राइडिंग पोजिशन की बात की जाए तो वो भी बढ़िया है। ब्रेकिंग पावर, ब्रेक्स भी बढ़िया है यार गाड़ी के। यहाँ विजिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है स्पीडोमीटर की। रिवर्स LCD होने का फायदा यहाँ पे आ जाता है। नाउ द मोटरसाइकिल इज ऑन हाई बीम, दिस इज हाउ द हेडलैम्प लुक्स। हमें को पता है बहुत क्लास दिख रही होगी। अब आता है लो बीम पे, तो दिस इज द लो बीम ऑफ द मोटरसाइकिल। कैसी लग रही है आप लोग बताना। सस्पेंशन का फीडबैक है, सस्पेंशन का फील है वो भी बहुत बढ़िया है। मोनोशॉक तो भाई NS200 वाला ही है, बहुत अच्छा फील देता है और फीडबैक देता है। फ्रंट सस्पेंशन भी सही है, अप्रोप्रिएट है, बम्स और शॉक्स को अच्छा अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो नाउ वी हैव कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे हम लोग बताएंगे कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस मोटरसाइकिल पे हमारा। मज़ेदार इसीलिए बोलूंगा बिकॉज रिफाइनमेंट के लेवल्स ना कुछ अलग ही लेवल पे है इस मोटरसाइकिल पे। रिफाइंड लगी मेरे को मोटरसाइकिल, वाइब्रेशंस ना के बराबर है, एंड द मोटरसाइकिल इज नाउ क्रिस्पिया, इट इज़ हैविंग क्रिस्पिया थ्रॉटल रिस्पॉन्स, पहले से ज़्यादा मज़ेदार थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। उसके अलावा यहाँ पे हेडलैम्प जो है वो इम्प्रोवाइज तो हो ही गए ऑफकोर्स, तो वो भी देखने में तो एक हेड टर्नर टाइप का बन ही जाता है कि भाई ये पल्सर में कौन सा नया हेडलाइट आया, क्योंकि अभी भी ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं है कि ये वाले हेडलैम्प्स आ गए इस मोटरसाइकिल पे। इस वीडियो को तो शायद पता लग जाए, आप लोग वीडियो फैला दोगे तो। गुड मोटरसाइकिल फॉर श्योर, माइलेज भी अच्छा देती है। तो अगर माइलेज की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 55-56 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज आपको दे देने वाली है। उसके अलावा अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा सा प्राइस पहले से इंक्रीज हुआ है, सो नाउ द प्राइस कम्स टू अराउंड 1.29 लाख अप्रॉक्सीमेटली इन रायपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ये गाड़ी जो है 1,29,000 के आसपास आपको पड़ने वाली है। बाकी आप शोरूम जाइए, टेस्ट राइड करिए एंड लुक फॉर इट कि भाई ये मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है कि नहीं। अब ये मोटरसाइकिल बनी किसके लिए है एक्यूरेटली वो बताता हूँ। तो ऐसा कोई जिसको बजाज के पल्सर मोटरसाइकिल से प्यार है, उसके अलावा वो एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहता है जो दिखे भी अच्छी और माइलेज भी अच्छी दे, चलने में भी बढ़िया हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो सारा चीज़ जो है वो इस मोटरसाइकिल पे निकल के कहीं ना कहीं आ जाता है। सो इफ़ यू आर पल्सर फैन, दिस इज़ अ मोटरसाइकिल फॉर यू, अगर माइलेज भी आपको अच्छा खासा चाहिए तो। सो दिस वॉज आशी, यू वर वॉचिंग मोटोट्रॉन्स एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।
जो कि शायद इसके बड़े भाई से रिलेटेड हो. लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.